गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2022 से जीएसटीआर 1 के अंदर अब यहां पर एचएसएन कोड की वैलिडेशन जो है वो बदल दी जाएगी। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जब आप जीएसटीआर 1 को फाइल करें तो उसके अंदर जो HSN कोड की रिक्वायरमेंट है उसमें सही HSN कोड किस तरीके से आप डाल सकते हैं, किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे एक एडवाइजरी इशू करी गई है जिसमें ये चीजें बताई गई हैं कि जो 1 अगस्त 2022 से पार्ट 2 ऑफ फेज 1, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर एचएसएन टेबल को भरने के लिए फेज वाइज मैनर में काम किया जा रहा है। अब 1 अगस्त से फेज 1 का पार्ट 2 जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। और उसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है उनके लिए कुछ चेंजेस जीएसटीआर 1 में कर दिए गए हैं। जैसा टैक्स पेयर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली रिपोर्ट 6 डिजिट एचएसएन कोड, यानी कि आपको 6 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरली सर्च करके आपको फीड करना होगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो यहां लिखा गया है टू कंटिन्यू एज इट इज, मतलब जो ऊपर जो पार्ट 1 के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी उसी रिक्वायरमेंट के आधार पे आपको यानी कि 5 करोड़ से कम वालों को जीएसटीआर 1 में एचएसएन टेबल भरना है, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली रिपोर्ट 2 डिजिट एचएसएन कोड फॉर गुड्स एंड सर्विसेस। 5 करोड़ तक के लिए जीएसटीआर 1 में 2 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी है फीड करना। मैनुअल यूजर एंट्री इज अलाउड फॉर एंटरिंग एचएसएन और द डिस्क्रिप्शन एंड द वार्निंग और अलर्ट मैसेज शैल बी शोन इन केस ऑफ मैनुअल एचएसएन, यानी कि आपको 2 डिजिट का एचएसएन डालना मैंडेटरी है। अब सवाल है कि 18 जुलाई 2022 से काफी सारी चीजें रेट्स के पर्सपेक्टिव से बदल दी गई हैं, तो उसके एचएसएन में क्या बदलाव आया है और अपडेटेड रेट और अपडेटेड एचएसएन कोड किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं ताकि आपके जीएसटीआर 1 की रिटर्न में किसी प्रकार की कोई गलती जो है वो ना हो जाए। तो इसके लिए जो वेबसाइट है gstcouncil.gov.in, इसके अंदर HSN एंड SSE कोड का एक फाइंडर दिया गया है जिसकी हेल्प से यहां पर HSN और अपडेटेड रेट 18 जुलाई 2022 वाले जो हैं वो पता किए जा सकते हैं। जितने भी ये रेट चेंजेस हुए हैं और इसका इंपैक्ट आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां जो चीजें बताई गई हैं जीएसटी रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एज ऑन 18 जुलाई 2022, क्योंकि 17 जुलाई तक कुछ और चीजें थी, 18 जुलाई से जो चीजें बदल दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली यहां पर रेट्स और एचएसएन जो है वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहां पर जो गुड्स और सर्विसेज के अपडेटेड रेट्स हैं वो किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, यहां पर आपको शेड्यूल दिया गया है। अब इस शेड्यूल का क्या मतलब है, अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 1 देखेंगे जो रेट नोटिफिकेशन है उसके अंदर अलग अलग शेड्यूल्स में रेट्स नोटिफाइड हैं। शेड्यूल 1 के अंदर 5%, शेड्यूल 2 के अंदर 12% एंड सो ऑन। तो यहां पर सबसे पहले शेड्यूल 1 के आइटम्स दिए गए, यानी कि जो 5% के आइटम्स हैं वो आपको यहां पर दिखेंगे। सीरियल नंबर दिया गया है, इसके बाद यहां आपको मेंशन किया गया है चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग एंड टैरिफ आइटम, यानी कि एचएसएन का जो डेटा है, एचएसएन कोड की जो डिटेल्स है वो आपको इस पर्टिकुलर टेबल से मिल जाएगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो वर्डिंग्स यहाँ पर लिखी गई हैं, ऑल गुड्स अदर देन फ्रेश और चिल्ड प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। तो ये प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड जो है वो अमेंड हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2020, जिसके ऊपर टैक्सेबिलिटी जो है एट द रेट ऑफ 5% वो किया गया है। तो इसके जो HSN कोड हैं 0202-0203 अकॉर्डिंगली आप यहां पर सर्च कर सकते हैं जिस भी प्रोडक्ट का आपको HSN कोड चाहिए। अब यहां अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम डाल के भी आप उस आइटम को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं राइस, अगर आप यहां पर राइस लिख करके लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बता दिया जाएगा कि राइस का HSN कोड अप टू 4 डिजिट क्या है और उसके ऊपर क्या रेट लग रहा है और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो है वो क्या रहेगा। तो यहां पर राइस प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड के नाम से 5% HSN कोड के साथ HSN कोड 1006 में एंट्री दे दी गई। तो जब आप GSTR1 भरेंगे तो उसमें 1006 का HSN कोड जो है वो डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं गुड्स के केस में, जैसे मान लेते हैं हनी, तो हनी के केस में आप सर्च करेंगे तो यहां पर उसकी डिटेल्स भी आपको दे दी जाएगी, जहां पर नेचुरल हनी प्रीपैक्ड एंड प्री लेबल्ड का HSN कोड 0409 है और उस पर टैक्स लग गया है 5%। और नेचुरल हनी अगर अदर देन प्री पैकेज एंड प्री लेबल्ड है तो यहां पर जो नोटिफिकेशन एग्जेम्प्टेड गुड्स की हैं वो भी आपको यहां पर पूरी तरीके से डिटेल्स के साथ दी जाएंगे, क्योंकि जो प्री पैकेज है वो टैक्सेबल है, अदर देन प्री पैकेज है तो उसपे एग्जेम्प्टेड रेट है जिसका HSN कोड भी 0409 ही है। अब मजेदार बात यह है कि एक ही HSN कोड पे दो रेट दिए जाएंगे, 5% भी और एग्जेम्प्टेड रेट भी। तो यहां पर काफी अच्छी फीचर्स जो हैं जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट पे ये कर दिया गया। अगर आप HSN कोड से सर्च करना चाहते हैं तो वो आप कोड लिख करके भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको कोड की पूरी नॉलेज। अब यहां पर अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के अंदर आप इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि रेंटिंग के केस, जी हां फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया तो उसके अंदर टैक्सेबिलिटी जो है वो अब कर दी गई है। तो आप यहां पर रेंटिंग लिख सकते हैं और रेंटिंग लिख करके सर्च करेंगे तो आपको यहां पर रेंटिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हैं कि आप कौन से वाले रेंटिंग की बात करते हैं। तो यहां पर जो हेडिंग नंबर है, जो HSN कोड्स हैं, उसके साथ पूरी डिटेल्स के जरिए आपको यहां पर रेट्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात करते हैं, GTA सर्विसेज की बात करेंगे तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट लिख करके या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिख। तो यहां पर गुड्स और सर्विसेज के लिए 1 अगस्त 2022 से जो आपको GSTR1 के अंदर HSN फीड करना है वो आपको किस तरीके से करना है, कहां से सर्च कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन जो है वो दिया गया है। तो अब आपको जो तैयारी करनी है GSTR1 की वो एज पर अपडेटेड रेट करना होगा, क्योंकि 17 जुलाई तक चीजें अलग थी, 18 जुलाई के बाद जो इनवॉइसेस बनेंगे उसमें चीजें अलग तरीके से काम करेंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा GSTR1 में जो ये नया HSN टेबल है वो किस तरीके से भरना है और सही किस तरीके से भरा जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।